दीपिका, दीपिका रुको ना, दीपिका हमारी बात सुनो। नहीं सुनेंगे आपकी बात। अरे दीपिका हमारी बात तो सुनो, कसम से हम दोनों की कहानी ना बहुत अलग है। यहाँ तुमने हमें थप्पड़ मारा है और हम तुम्हारे पीछे पीछे भागे आ रहे हैं, और तुम हो कि बस माव खाए जा रही हो। अरे दीपिका हमारी बात तो सुनो ना। नहीं सुनेंगे आपकी बात। क्यों सुने आपकी बात? आपको ये सब मजाक लग रहा है क्या? हमारी कोई चिंता नहीं है आपको? या फिर सारिका आपकी हमसे ज्यादा अच्छी दोस्त बन गई है? दीपिका हमारी बात सुनो, हमारा इरादा तुम्हें दुख पहुंचाने का नहीं था। हमने तुमसे ये बात इसलिए छुपाई क्योंकि क्योंकि हमें खुद पे शर्म आ रही थी। किस बात की शर्म पीयूष जी? क्योंकि हम मोटे हैं और मोटे लोग तो डांस कर ही नहीं सकते ना। हमें लगा कि तुम भी हम पर हंसोगी। पर पीयूष जी हम आप पर कैसे? देखो दीपिका, अब तुम हमें ये मत बताना कि हमें कैसा फील करना चाहिए। हम जैसा फील कर रहे ना वो बता रहे। ठीक है आप बोलिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। बोलिए। दीपिका हम बचपन में भी मोटे थे पर तब भी हम डांस करना चाहते थे, और ऐसा नहीं है कि हमने ये बात तुमसे छुपाई और सारिका को बता दी। नहीं, सारिका को खुद इस बारे में गलती से पता चला। सारिका के पहले वो हमारी जो क्लाइंट थी ना रश्मि, वो एक्चुअली हमारी क्लाइंट नहीं, हमारी डांस टीचर थी। पूरे आगरा में एक वही थी जो हम जैसे मोटे को डांस सिखाने को राजी हुई, पर हमसे कुछ ज्यादा ही भारी फीस लेती थी। डांस की फीस अलग और हमारा राज छुपाने की फीस अलग। हमने उससे बात करने के लिए एक फोन भी अलग रखा हुआ था, फिर धीरे धीरे वो अपनी फीस बढ़ाती गई, हमारी मजबूरी का फायदा उठाकर हमें ब्लैकमेल करके हमसे पैसे लेने लगी। अब हम करते भी क्या? हम नहीं चाहते थे कि लोग हम पर हंसे, हमारी इंसल्ट हो, इसीलिए हमने भी उसकी सारी मांगे पूरी की। फिर एक दिन उसने इतने ज्यादा पैसे मांग लिए कि हम इंतजाम ही नहीं कर पाए उन पैसों का। उस दिन रेस्टोरेंट में भी वो पैसे ही लेने आई थी। अरे रश्मि हमारी बात समझो, अभी हमारे पास पैसे नहीं है, कहाँ से देंगे? अच्छा तो तुम नहीं मानोगे? तुम्हारी बीवी को तुम्हारे चक्कर के बारे में बताऊंगी ना, तभी तुम्हें समझ आएगा। उस दिन उससे पीछा छुड़ाने के लिए हमने अपनी शादी की अंगूठी दे दी। ये हमारी शादी की अंगूठी है, प्लीज हमारी पत्नी को हमारे बारे में कुछ मत बताना। अब कुछ ही दिनों पहले सारिका ने हमें उसके साथ देख लिया और उसने हमें बताया कि वो औरत सही नहीं है, ब्लैकमेलर है वो। सारिका जानती थी उसे, वो उसके डांस स्कूल में थी साथ में। तो सारिका ने हमें कहा कि अगर हम चाहे तो सारिका से डांस सीख सकते हैं, पर हमने पहले मना किया। फिर हमने कहा कि अगर वो हमारे डांस के बारे में किसी को ना बताने की कसम खाती ना, तभी जाके हम उससे डांस सीखेंगे। और इसीलिए फिर हमने रश्मि के पास जाना छोड़ दिया, पर फिर भी वो नहीं मानी। थोड़े थोड़े दिनों में पैसों की मांग करती रही, और उसके बाद क्या हुआ तुमने तो देख ही लिया। सारिका आप इतना कुछ अकेले ही सहते रहे? आप एक बार बताकर तो देखते पीयूष जी, डांस करना अच्छी बात होती है, हमें तो आप पर गर्व होता। दीपिका हमें डांस करना सच में बहुत पसंद है, हमें सबसे ज्यादा खुशी ना उसी में मिलती है। पर जब आप एक ऐसे माहौल में पले बड़े हो ना जहां हर कोई आपके वजन को लेकर मजाक उड़ाता हो, मोटा, मोटे महाराज, भैंस, पता नहीं क्या क्या बुलाते थे हमें, आज भी बुलाते, मतलब एक छोटी सी गलती पर भी ना आपके मोटापे पर उंगली उठा दी जाती है। अब ऐसे माहौल में तो
इंसान चीजें छुपाने ही लग जाता है ना, इसीलिए हमने भी छुपाई। दीपिका आई एम सॉरी, तुम हमारी बेस्ट फ्रेंड हो और हमने तुमसे ही इतनी बड़ी बात छुपाई। सॉरी, प्लीज प्लीज हमें माफ कर देना। सॉरी है पीयूष जी, ऐसे रिएक्ट करने के लिए और आपके बैग में कैमरा छुपाने के लिए। जो हम कर रहे थे ना, उस हिसाब से तो तुम लोगों ने जो किया ठीक किया। हम जानते हैं। अब चलिए, आपने हमें तो बता दिया, बाकी सबका क्या? बेकार की टेंशन ले रहे हो और कैसे कैसे डाउट कर रहे हैं आपके ऊपर, आप जानते हैं। चलिए उन सबको भी जाकर बता देते हैं कि हमारे हस्बैंड कितने अच्छे डांसर हैं। चलिए 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 सबको। नहीं। क्यों नहीं? ये भी एक कारण है, हमने तुम्हें नहीं बताया। हमें पता था तुम्हें जैसे ही पता लगेगा तुम अच्छी बहू बनकर घर पे सबको सब कुछ हमारे बारे में बता दोगी। दीपिका बात को समझो, हमारे घर में ये नाच गाना ये एक्टिंग सब कुछ बैन है। बचपन में जब हम रामलीला में छोटे छोटे रोल किया करते थे ना, तब भी बाबूजी को बहुत परेशानी होती थी। अब तुम डांसिंग के बारे में बताओगी ना तो तालियां नहीं बजाएंगे, हमारी बजा देंगे। और वैसे भी उनकी तबीयत खराब है तो इस समय किसी को कुछ बताना सही नहीं होगा। बात को समझो दीपिका, अगर तुम हमारी थोड़ी सी भी इज्जत करती हो ना, अगर हमारी चिंता है ना तुम्हें, तो दीपिका तुम्हें आज कसम लेनी होगी कि तुम हमारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगी, अमित तक को नहीं। पीयूष जी, हम आपकी बेस्ट फ्रेंड हैं और हम आपका बुरा कभी नहीं चाहेंगे, जो करेंगे आपकी भलाई के लिए करेंगे। हमारी कसम? आपकी कसम। थैंक यू। हाथी घोड़ा पालकी, बर्थडे कन्हैया लाल की, आज शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।